गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फंक्शन अपने प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, एग्जांपल ऑफ फंक्शन मैंने बताया था और कॉलिंग दी फंक्शन मैंने बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पासिंग दी आर्ग्यूमेंट। पासिंग दी आर्ग्यूमेंट में दो टाइप्स को मैं आज क्लियर करूँगा, पासिंग कॉन्स्टेंट और पासिंग वेरिएबल, और थर्ड नंबर पे है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन द रिटर्न स्टेटमेंट। इन सब टॉपिक को आज मैं टच करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पासिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है। गाइज, लास्ट वाली वीडियो में मैंने समझाया था कॉलिंग दी फंक्शन, यानी कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं पहले टॉपिक को टच करने जा रहा हूँ, और वो जो पहला टॉपिक का नाम है पासिंग आर्ग्यूमेंट। पासिंग आर्ग्यूमेंट में मैं उसके पार्ट वन को मैं सबसे पहले बताऊंगा पासिंग कॉन्स्टेंट। पासिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है, उससे पहले हम लोग चलिए समझते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक पिछले वाले एग्जांपल में, यानी कि आईआर रिमोट वाला जो एग्जांपल है, उसी से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें मैंने एक वेरिएबल, एक जो है फंक्शन बनाया था वॉइड सेट ट्रांसमिट नाम का, जो कि वैल्यू को जो लेगा और ट्रांसमिट करेगा जो भी मैं बटन को प्रेस करता हूँ। तो इस प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने फंक्शन को जब कॉल किया है सेट ट्रांसमिट, तो मैंने यहाँ ऊपर में इसके लिए एक अलग वेरिएबल बनाया था जो कि ये दो वैल्यू को, दोनों बटन की वैल्यू को होल्ड किया हुआ था। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने इसे वेरिएबल से हटाकर यहाँ डायरेक्ट, मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि पासिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मान लीजिए सेट ट्रांसमिट नाम के फंक्शन को हमें कॉल करना है कोई काम करवाने के लिए। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ डेसिमल वैल्यू को दिया है 55 और 88 को ट्रांसमिट करना है। इस फंक्शन का काम है इस वैल्यू को ट्रांसमिट करना, पर उसे हमें यह बताना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू को ट्रांसमिट करना है। तो हम आर्ग्यूमेंट को पास करके उस फंक्शन को बताते हैं, ये लो तुम इसे ट्रांसमिट कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेट ट्रांसमिट 55 यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कि ये लो इस फंक्शन को मैं कॉल करके बता रहा हूँ कि मुझे 55 को ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ मैंने उसे आर्ग्यूमेंट दे दिया है 55। अब ये क्या करेगा फंक्शन, अब वाइड सेट ट्रांसमिट नाम का जो फंक्शन है ये इस वैल्यू को ट्रांसमिट कर देगा आईआर ट्रांसमीटर के जरिए। तो ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड नंबर आप देख सकते हैं एल्स इफ, उसके बाद फिर मैंने दूसरे बटन के लिए, बटन टू के लिए यहाँ लगाया है। अगर बटन टू प्रेस होगा तो लास्ट वाली एग्जांपल की तरह ही इसमें 88 वैल्यू को आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है, इसमें 88 अभी क्या करेगा, 88 को ट्रांसमिट कर देगा आईआर एलईडी के थ्रू। तो गाइस, ये था पार्ट वन, यानी कि पासिंग कांस्टेंट, पासिंग आर्ग्यूमेंट का जो पार्ट वन है पासिंग कांस्टेंट। अब हम लोग चलते हैं पासिंग वेरिएबल को, मतलब कि वेरिएबल को हम लोग आर्ग्यूमेंट से कैसे पास कराते हैं। इस प्रोग्राम को मैं फिर से पहले जैसा बना रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने इस जो दो वैल्यू को जो डिफाइन किया था वेरिएबल, इसको मैंने कमेंट कर दिया था। अब इसे मैं फिर से कमेंट से हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट बटन वन का वैल्यू जो है 55 यहाँ असाइन कर दिया मैंने, बटन टू के वैल्यू को 88। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा पासिंग वेरिएबल। अब सेट ट्रांसमिट 55, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 55 है। तो अब मुझे यहाँ लेना है बटन वन वैल, बटन वन वैल्यू नेक्स्ट लाइन में है सेट ट्रांसमिट 88। तो यहाँ से मुझे 88 को हटाकर मैं यहाँ कर देता हूँ बटन टू, बटन टू वैल्यू, यानी कि अब इसमें मैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में मैं वेरिएबल को पास करा रहा हूँ। अब ये कैसे काम करेगा, ऊपर में मैंने दो वेरिएबल बनाया, बटन वन का वैल्यू 55 और बटन टू का वैल्यू है जो 88 है। इसे आप अपने तरीके से ये चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 55 और 88 असाइन कर दिया, ये दो वेरिएबल हैं बटन वन और बटन टू के लिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं अपने मेन प्रोग्राम में वाइड लूप के अंदर, इफ डिजिटल रीड बटन वन इक्वल टू हाई, जैसे ही बटन वन हाई होगा इसमें जो है मेरा
प्रोग्राम जो है सेट ट्रांसमिट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें जो आर्ग्यूमेंट को पास कर देगा, यानी कि बटन वन वैल्यू, ये जो है मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल में मैंने क्या असाइन किया था बटन वन वैल्यू में 55, यानी कि सेट ट्रांसमिट जैसे ही कॉल होगा फंक्शन उसी टाइम यहाँ वो चेक करेगा कि बटन वन का वैल्यू कौन सा है। तो बटन वन का वैल्यू मैंने 55 असाइन किया है, तो ये उसको लेगा और 55 को ट्रांसमिट कर देगा एलईडी आईआर एलईडी के थ्रू। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बटन टू के लिए, तो बटन टू के लिए भी यहाँ सेम होगा जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में बताया। इसमें जैसे ही बटन टू जो प्रेस होगा हाई हो जाएगा, सेट ट्रांसमिट नाम का फंक्शन फिर से कॉल होगा और उसमें आर्ग्यूमेंट सेट होगा बटन टू का वैल्यू, यानी कि मैंने बटन टू का वैल्यू में 88 असाइन किया है। तो अब यहाँ जो है 88 असाइन होगा, उसके बाद फिर 88 ट्रांसमिट हो जाएगा, ये जो फंक्शन है हमारा 88 ट्रांसमिट कर देगा। तो गाइस ये था पासिंग आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग चलते हैं रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है गाइस? रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरे घर में एक पार्टी है, मैंने पार्टी अरेंज किया, तो उसमें तीन लोग आते हैं काम करने के लिए, पहला है सेफ, दूसरा है डेकोरेशन वाला और तीसरा है हमारा साफ सफाई करने वाला। तो इनमें से कोई भी एक आदमी, किसी को हम अपने एग्जांपल में लेते हैं, एज एग्जांपल मान लीजिए सेफ को हमने लिया, तो उसको हमने कहा कि हाँ हमारे लिए ये डिश तैयार होंगे, तो वो क्या करेगा, हमें हमारे लिए काम करेगा, मतलब कि वो खाना बनाएगा जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हाँ हमें ये आज की पार्टी में ये खाना हमारे डिनर में होगा। तो वो क्या करेगा कि डिनर तैयार करेगा आज पार्टी के लिए, उसके बाद फिर वो रिटर्न में हमें रिजल्ट देगा, मतलब कि जो डिश हमने तैयार करवाया था उससे वो रिटर्न में हमको देगा कि हाँ ये लीजिए आपका डिश तैयार है आज की पार्टी के लिए। तो उसी तरीके से हम लोग जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमें काम करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। मान लीजिए मैंने लास्ट प्रोग्राम में बनाया void नाम का फंक्शन था, तो void में क्या होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग कोई दूसरे डेटा टाइप्स का हम लोग फंक्शन बनाते हैं, एज एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे नीचे int check sensor, ये जो check sensor नाम का जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि नाइट डिटेक्शन स्ट्रीट लाइट के लिए, कि जब रात हो जाए अंधेरा हो जाए तो स्ट्रीट का जो लाइट है वो ऑन हो जाए, जब सुबह हो जाए तो जब सूरज निकल जाए तो वो फिर से स्ट्रीट लाइट जो है बंद हो जाए ऑटोमेटिक वाला। तो उसके लिए मैंने यहाँ डिस्प्ले पे प्रोग्राम लिख लिया है। अब चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं कि ये रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन और ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं उस ऊपर में मैंने एक LDR सेंसर नाम का जो Arduino में पिन नंबर 14 यानी कि एनालॉग पिन 0 का मैंने असाइन किया है, कनेक्ट कर दिया है। और सेकंड लाइन पे है बल्ब 3, मतलब कि Arduino में जो पिन नंबर 3 है डिजिटल पिन 3, उसमें मैंने एक बल्ब के लिए असाइन किया है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन void setup, इसमें मैंने सेटअप कर दिया, एक इनपुट रहेगा एक आउटपुट रहेगा, जो सेंसर है वो इनपुट के लिए। अब इसमें क्या होगा, मैंने एक सेंसर लगाया LDR सेंसर, जो कि आप लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस सेंसर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंट। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं void लूप। void लूप के अंदर समझने से पहले हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है int check sensor। अब आप लोग यहाँ पे गौर कर सकते हैं, मैंने यहाँ void नहीं लिखा है int लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, void में मैंने जब जब मैं void नाम का फंक्शन बनाऊंगा या हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो उसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता, कोई भी स्टेटमेंट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम एक या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए तो हम लोग उसका उस समय void का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को रिटर्न चाहिए, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ फंक्शन में देख सकते हैं int check sensor नाम का मैंने फंक्शन बनाया। अब उसके अंदर आते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर if analog read, इसमें क्या होगा, analog read पिन नंबर 14 को मैंने डिफाइन किया है,
एनालॉग के लिए। अब जो है वो सेंसर एनालॉग वोल्टेज को रीड करेगा, यानी कि लाइट को सेंस करके वो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और पिन नंबर 14 को देगा वो। तो मैंने यहाँ वैल्यू को लिया है 400, मतलब कि 400 वैल्यू से एनालॉग रीड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू एक होगा 400 से अगर ज़्यादा होगा पिन नंबर 14 पे, तो हमारा स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को वैल्यू 1 रिटर्न करेगा। यानी कि इसमें जो है मैंने कॉल किया है डिजिटल रीड बल्ब कॉमा चेक सेंसर, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अंधेरा हो गया, रात हो गया, तो इसमें 400 से प्लस जाएगा हमारा जो वैल्यू है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगा बल्ब, यानी कि एलईडी जो है बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा, और जैसे ही सुबह हो गया लाइट हमारा सनलाइट आ गया है, तो यहाँ से एल्स आप लोग देख सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया मैंने, एल्स रिटर्न जीरो। इसको और हम लोग अच्छे से समझते हैं लाइन बाय लाइन अब क्या होगा इसमें, यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, अब हम लोग इसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंट चेक सेंसर नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया। अब यहाँ मैंने इंट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे रिटर्न में इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें मुझे चाहिए कैरेक्टर, तो मैं यहाँ कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप्स लगाऊंगा, उसके बाद फिर अपने फंक्शन का नाम डिक्लेयर करूंगा। तो ये हो गया, तो मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मुझे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट। अब इसी तरीके से आप लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू रिटर्न में, तो मैंने यहाँ सिंपली से इंट लिख दिया है, इंट चेक सेंसर। अब ये क्या करेगा चेक सेंसर, इफ एनालॉग रीड यानी कि पिन नंबर 4 पे जो मैंने एक एलडीआर सेंसर कनेक्ट किया है वो कुछ वैल्यू ऑर्डिनो को फीड करेगा, मतलब ऑर्डिनो को कुछ वैल्यू देगा। वो वैल्यू वो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 500 400। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है कि अगर 400 से वैल्यू ज़्यादा होगा पिन नंबर 14 पे तो रिटर्न 1 करेगा। यानी कि ये रिटर्न 1 का जो रिजल्ट क्या आएगा कि जो मैंने बल्ब नाम का वेरिएबल बनाया है वो हाई हो जाएगा, मतलब कि उसमें मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया है, एज एग्जांपल एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं और भी कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 100 वॉट का बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो है हाई हो जाएगा जैसे रात का अंधेरा होगा। और नेक्स्ट अगर 400 से वैल्यू से अगर ज़्यादा नहीं होगा, अगर कम हो जाएगा, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एल्स रिटर्न जीरो, मतलब कि हमारा जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा यानी कि ऑफ हो जाएगा।